हाय दोस्तों नमस्ते। तो देखिए आज मैं आई हूँ एकदम सिंपल रेसिपी लेकर। और तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले लिया है, मैंने यहाँ पर थोड़े फूल गोभी ले लिया है, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है दोस्तों, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक बीन्स लिया, ये क्या बीटरूट है, यहाँ पे मैंने हम लोग बीट बोलते हैं या ये भी बोलते हैं चुकंदर भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बीटरूट, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे एक कैप्सिकम लिया है, उसको भी मैंने थोड़ा सा चौकड़ चौकड़ में कट कर लिया छोटा छोटा में। और यहाँ पे मैंने ये गाजर लिया, उसको भी मैंने लंबा लंबा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, और मैंने पनीर को भी देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। तो हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें गर्म करने के लिए पहले हम कढ़ाई को बैठा दिए हैं। अब इसमें हम बड़ा एक चम्मच बटर डाल देंगे पनीर तलने के लिए। तो पनीर के कढ़ाई के चारों पट्टी हम फैला लेते हैं, वहाँ पनीर छिप के ना अब हम हल्का सा भून कर निकाल लेंगे। लो टू मीडियम में भून कर निकाल लेंगे, 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे। तो देखिए मैंने पनीर को अच्छे से 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इसे हम निकाल लेंगे इस प्लेट में। तो देखिए मैंने पनीर को निकाल लिया है कढ़ाई से, अब उसी कढ़ाई में हम एक चम्मच मैंने सादा तेल डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो उसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा डाल के 1 से 2 सेकंड हम अच्छे से भूनेंगे। जीरा को देखिए मैंने 1 से 2 सेकंड मैंने भून लिया है। अब इसमें हम बीट डाल देंगे कटा हुआ, जो बीट मैंने काटा था, लो टू मीडियम में भूनेंगे, क्योंकि बीट हमारा पकने में थोड़ा लेट लगता है इसलिए। 2 से 3 मिनट मैंने बीटरूट को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम गाजर और गोभी डाल देंगे, डाल के भी अच्छे से हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। मैंने गोभी और गाजर को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से लो टू मीडियम में भून लिया है। अब इसमें हम ये कैप्सिकम दे देंगे, कैप्सिकम को डाल के भी 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें क्या क्या मसाला डालेंगे आपको दिखा देते हैं। सूखे मसाले मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, ये मेरा जीरा धनिया और थोड़ा सूखी मिर्च मैंने भून कर मैंने ये मैं पेस्ट बना लिया है, मैंने पाउडर बना लिया है। और मैंने 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर लिया कलर के लिए लिया है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, और यहाँ पे मैंने नमक स्वाद अनुसार, और मैंने ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मैंने 1/2 चम्मच मैंने टमाटर केचप लिया है, आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी भी दे सकते हैं। कैप्सिकम भी भुना हुआ हो गया है, इस तरह से मसाले डाल देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सूखे मसाले जो दिखाए थे वो डाल देंगे, केचप भी डाल देंगे हम, अच्छे से चला लेते हैं। थोड़ा सा हम पानी में डाल देते हैं मसालों में कि हमें मसाला जले ना, लो टू मीडियम में अच्छे से चला लेते हैं। और इधर पनीर डाल के भी अच्छे से मसालों को भूनेंगे उसी में ही, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और पनीर डाल देते हैं, पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ढक्कन लगा कर लो टू मीडियम में छोड़ देते हैं। मसाला भी हमारा भुना जाएगा, हमारा सब्जी भी अच्छी तरह से पक जाएगी। देखते हैं हमारा सब्जी हुआ कि नहीं। देखिए तो थोड़ा मसाला ही भुना चुका है, मेरा सब्जी भी बन के रेडी हो चुका है। उस पर से थोड़ा ये कसूरी मेथी डाल देते हैं, कसूरी मेथी चलाकर गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए मेरा सब्जी बनकर रेडी, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।